हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एक्चुअली हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन रिलेटेड टू ओनली द वर्ड पैलिंड्रोम हम सॉल्व करेंगे। उसमें का ये सबसे पहला वीडियो और सबसे बेसिक है, क्योंकि सबसे पहले आपको यही आना चाहिए कि वी हैव टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, सो मैं आपको ऐसे भी समझाने वाला हूँ पैलिंड्रोम होता क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड ऑब्वियसली देन आई विल कोड इट इन जावा एंड एज वेल एज सी प्लस प्लस। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन एंड देन वी विल सी द कोडिंग पार्ट। चलो 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 ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग्स लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहला एक स्ट्रिंग लिया है मैडम। ओके, सो पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट भी पढ़ो तो भी ये मैडम है, और अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ू तब भी ये मैडम है। तो ऐसे जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला स्ट्रिंग की बात करूं, अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूं तो क्या होगा, MAECFAM। बट अगर मैं यहां से इसको रीड करूं तो MAFCEAM होगा। तो दोनों साइड से अगर मैं रीड करता हूं तो सेम नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं इधर से रीड करता हूं तब भी माम आता है, MAAM। एंड अगर मैं इसको इधर से रीड करता हूं राइट टू लेफ्ट तब भी माम आता है, MAAM। सो बेसिकली जब भी राइट टू लेफ्ट अगर हम रीड करते हैं वो अगर सेम आता है तो हम उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं, और अगर नहीं आता है तो हम उसको पैलिंड्रोम नहीं बोलते हैं। ठीक है, सो इसका जो सबसे पहला और सबसे बेसिक अप्रोच, जिसको कि हम ब्रूट फोर्स बोलते हैं, ये हो सकता है कि इसी स्ट्रिंग को आप रिवर्स कर दो। तो रिवर्स में हम क्या करते हैं, इस तरफ से हम बेसिकली पहले हम लास्ट वाले को लिखेंगे, फिर सेकेंड वाले को, सेकेंड लास्ट को, देन धीरे 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 करके हम स्टार्टिंग की तरफ आते जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग है और ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों कंपेयरिंग में सफल होते हैं, मीन्स इफ बोथ आर सेम, वी कैन से दे आर पैलिंड्रोम। बट ये बहुत ही लेम तरीका है, ये तरीका को हम हमारी जर्नी में कभी भी यूज नहीं करेंगे। टू पॉइंटर अप्रोच में कोई बहुत इंपॉर्टेंट या कुछ डिफरेंट अप्रोच नहीं है यार, ये बस सिंपल है कि हम टू पॉइंटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक पॉइंटर को हम रखेंगे स्टार्टिंग में, एक पॉइंटर को हम रखेंगे एंडिंग में। ठीक है, अब हम सिंपली कंपेयर करेंगे। आई में क्या है हमारे पास, ये जो आई है इसमें हमारे पास है एम, और जे में हमारे पास क्या है एम, तो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक वैलिड पैलिंड्रोम बन सकता है। ठीक है, अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये पैलिंड्रोम होगा, क्योंकि हो सकता है आगे ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाए जो मैच ना करें। ठीक है, हम दो तीन ड्राई रन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो तो सेम मिलता है, तो मैं आई को इंक्रीज करता हूँ एंड जे को डिक्रीज करता हूँ, फिर मैं चेक करूंगा आई में जो कैरेक्टर है विच इज ए एंड जे में जो कैरेक्टर है विच इज ए, क्या ये दोनों सेम है, ए इज इक्वल टू ए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा सेम है तो चलता है। ठीक है, ये पैलिंड्रोम बनने के काबिल है, बट हमें अभी और चेक करना है। फिर हमारा आई आया डी पे और जे भी आया डी पे, क्योंकि हम क्या करें, आई को इंक्रीज कर रहे हैं और जे को डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या आई में जो कैरेक्टर है विच इज डी और जे में जो कैरेक्टर है दैट इज डी, तो दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों तो एक ही जगह में है। गूल। फिर हम क्या करेंगे, अब हम जे को डिक्रीज कर देंगे एंड आई को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस आता है कि हमारा जो जे है वो आई को क्रॉस कर जाता है, मतलब अभी तक क्या हो रहा था, जे या तो आई से बड़ा था या तो आई के बराबर था, लेकिन अभी हमने क्या किया, जे बेसिकली डिक्रीज हो गया, मतलब आई से छोटा हो गया। उस केस में हम रुक जाएंगे और हम बोलेंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड तक बेसिकली ये ट्राई कर रहे हैं कि हम अगर इस स्ट्रिंग को नॉन पैलिंड्रोमिक प्रूफ कर दें। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि हम किसी इंसान को गलत प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, और हमने हमारे पास तीन तरीके हैं उसको गलत प्रूफ करने के। हमने सारे तरीके को आजमाया, और अगर हमने किसी भी तरीके से उसको गलत प्रूफ नहीं कर पाया तो फाइनली हमको हार मान के उसको बोलना ही पड़ेगा, नहीं भाई तू सही है, वैसे ही हम कर रहे थे। ठीक है, तो हम हमारे पास कितने तरीके थे, जब तक ये जो जे है वो आई से बड़ा था तब तक हमें कंपेयर करना था। अगर वहां पे कहीं भी हमें ऐसा मिल जाता कि नहीं यार ये जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्टली वहां बोल देते। बट अगर फाइनली अगर हमने हमारा पूरा जोर लगा दिया, हमने सारे कंपेरिजन कर दिए और तब भी हमें ये पैलिंड्रोम नहीं है, नहीं मिला, तो हम बोलेंगे कि पैलिंड्रोम है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो तो, जैसे मैं इस वाले एग्जाम्पल पे लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, आई को स्टार्टिंग में रख रहे थे, जे को एंडिंग पे रख रहे थे, फिर हम चेक कर रहे थे क्या आई और जे के में जो कैरेक्टर्स है वो सेम है। बिल्कुल सेम है। अब देखो, अगर ये सेम हो गया तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि हो सकता है आगे ना मिले, जैसे इस केस में मिलेगा। ठीक है, तो हमने फिर आगे बढ़ा, अब हमारा आई आ गया ए पे और जे भी है ए पे,
क्या आई और जे सेम है? बिल्कुल सेम है, ठीक है, आई और जे सेम है, सो वी कैन से कि आगे ये कभी पैलिंड्रोम बन सकता है, मे बी चांसेस हैं, ठीक है, बट ये हम गारंटी नहीं बोल सकती कि पैलिंड्रोम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने आई को फिर से इंक्रीज किया, जे को डिक्रीज किया। देखो यहाँ पे सबसे पहला वो पॉइंट आ गया जहां पे आई पे है हमारा ई और एफ पे है, जे पे है हमारा एफ। ऑब्वियसली ई इज नॉट इक्वल्स टू एफ, तो हम बोल सकते हैं कि पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। अगर ये पूरा लूप को सर्वाइव कर जाता तब हम बोलते कि यार ये पैलिंड्रोम है, बट अगर बीच में कहीं भी हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसमें कि हम उसने हमने उसको प्रूव कर दिया कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। एक आखिरी ड्राई रन लेते हैं एंड देन वी विल सी इन द कोड पार्ट, ठीक है। तो हमारा आई आ गया यहाँ पे, जे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे आई और जे को, क्या आई और जे इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि आई में भी एम है और जे में भी एम है, सो वी कैन से कि ये पेलिंड्रोम बनने के काबिल है। अभी नहीं बोल सकते कि पेलिंड्रोम है, क्योंकि हो सकता है आगे हमें कोई ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाए जो मैच ना करें। फिर हमने आई को इंक्रीज किया, जे को डिक्रीज किया, फिर हम चेक करेंगे आई में है ए, जे में है ए, तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, तो अभी भी चांसेस है कि ये पेलिंड्रोम है ना। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, हम आई को इंक्रीज किए और जे को डिक्रीज किए, ठीक है, बट इस केस में हमें रुक जाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो जे है वो देखो छोटा हो गया, ठीक है। हमें कब तक काम करना था? जब तक जे जो है आइदर आई से बड़ा हो या फिर आई के इक्वल हो। जैसे ही जे बेसिकली छोटा हो जाएगा हम रुक जाएंगे, ठीक है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन बाय टू। इवेंचुअली ये ऑर्डर ऑफ एन जैसा ही है, बट देखो इसमें हमें बस यहीं तक जाना पड़ा, बस यहीं तक। इस केस में बस हमें दो ही कैरेक्टर्स को कंपेयर करना पड़ा, मतलब दो ही आइट्रेशन करना पड़ा, इसमें बस यहीं तक जाना पड़ा, बाकी सब अपने आप हमने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आया होगा। आप खुद के एंड में भी एक बार ट्राई रन करना, और यही बहुत ही एफिशिएंट अप्रोच है। आज के बाद से कभी भी आपको पैलिंड्रोम का पूछा जाता है इंटरव्यू या कहीं पे भी, तो आप इसी अप्रोच को बताना, द इंटरव्यूअर विल बी हैप्पी। अब लेट्स सी द कोड इट इन C++ एज वेल एज जावा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बेसिकली कोड करेंगे इसको C++ में। तो हम बेसिकली दो पॉइंटर इंट्रोड्यूस कर रहे थे, आई जो कि स्टार्टिंग में रहेगा, सो ये कहाँ पे रहेगा? स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग पे, ठीक है। फिर एक हमारा पॉइंटर रहेगा विच विल बी बेसिकली नॉट वन सॉरी एस डॉट साइज -1। ये बेसिकली कहाँ पे रहेगा? एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो एंड ऑफ स्ट्रिंग हम कैसे निकालेंगे? लेंथ -1, बिकॉज हमारी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से चालू होती है ना। ओके, सो अब हमें कब तक ये काम करना था? जब तक जे आइदर वो बड़ा है या तो आई के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे? कंपेयर, इफ एस आई इज नॉट इक्वल्स टू एस जे, ठीक है। कहीं भी अगर हमें ऐसा मिल गया कि यार ये इक्वल नहीं है, उस केस में सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है फॉल्स रिटर्न मत करना भाई, अगर नहीं है तो 0 रिटर्न कर देना। तो मैं यहाँ पे 0 रिटर्न कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन में फॉल्स होगा तो फॉल्स भी रिटर्न कर देना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हमें इस लूप को कंटिन्यू करने के लिए आई को इंक्रीज करते रहना पड़ेगा, एन जे को डिक्रीज करते रहना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं करेंगे तो ये जो लूप है वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा और ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम ये जो बेसिकली पार्ट है इसमें हम गलत प्रूफ करना चाहते थे, अगर हम किसी इंसान को जितने भी हमारे पास तरीके थे उससे हमने उसको गलत प्रूफ करने का ट्राई किया और ये पूरा हमारे तरीके खत्म हो गए और हम बेसिकली गलत प्रूफ कर ही नहीं पाए, तो फाइनली हमें क्या बोलना पड़ेगा? नहीं यार ये तो सही है, तो हमें करना पड़ेगा ट्रू। बट बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में ट्रू रिटर्न नहीं करना है, 1 रिटर्न करना है। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रू रिटर्न करने बोला होगा तो आप ट्रू भी रिटर्न कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इसको हम एक बार रन करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको जरूर सॉल्व करेंगे। एंड देन सेम कोड को मैं बेसिकली जावा में कॉपी पेस्ट करूंगा, इट विल वर्क देयर ऑल्सो, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। हमें जहां जहां चेंज करना होगा वी विल चेंज। ओके, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेट्स सी कि बेसिकली ये चलता है कि नहीं। ओके, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। एक्चुअली कभी कभी जीएफजी के सर्वर ऐसे प्रॉब्लम देते ही हैं। ओके, सो ये चल रहा है फाइनली। ओके, सो इसको मैं एक बार सबमिट करके देखता हूँ एंड देन हम सेम कोड को यार जावा का कोड भी बना लेंगे, ठीक है, कूल। सो इसको मैं कट करता हूँ एंड देन सो यहाँ पे मैं इसी कोड को जावा का बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बहुत चेंज करना पड़ेगा, जैसे एस का बेसिकली साइज हमें नहीं लेना पड़ता, यहाँ पे लेंथ फंक्शन होता है। एंड यहाँ पे बेसिकली एस डॉट मतलब हम डायरेक्टली ऐसे इंडेक्सिंग को स्ट्रिंग के केस में ऐसे इंडेक्सिंग को नहीं पा सकते या एक्सेस कर सकते,
कैरेट हमें आई यूज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे बेसिकली अगेन हमें कैरेट जे यूज करना पड़ेगा, बाकी सब कोई वे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देख सकते हो कितना ही इजी है जावा टू सी प्लस प्लस चेंज करना। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कभी भी एक ही लैंग्वेज पे कन्फाइंड ना रहो, आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी एक्सप्लोर करो, बिकॉज इंडस्ट्री लेवल में बहुत ज़्यादा यूज होता है जावा बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योरिटी एंड डिफरेंट यूजेज। सो आई होप कि आप सभी लैंग्वेज से थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो। ओके सो देखो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड अगर आपको और पेलिंड्रोम के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे या आपके सोचने की क्षमता को इंक्रीज करेगा अगर देखना है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप कोडिंग।